कुसुम सरोवर के एकदम सामने यहाँ पर श्री मंदिर कुसुम बिहारी राधा रानी वेणी गोपन लीला दर्शन। तो देखिए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राधा वन बिहारी जी का मंदिर, यहाँ पर बैनी गूथन की ऐतिहासिक। राधे राधे, ब्रज दर्शनम चैनल में आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा कुसुम सरोवर के, जो कि गोवर्धन में है, और उसकी पूरी कहानी भी जानेंगे कि क्या उसकी कहानी है। और यहाँ के जो राजस्थान के जो राजा रहे थे उनसे भी जुड़ी हुई कहानी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम संजय है और मैं एक ब्रजवासी हूँ जो कि आपको ब्रज के दर्शन करवाता हूँ। ब्रज के प्रसिद्ध जो मंदिर हैं और स्थान है, आपको उनके दर्शन कराता हूँ। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप ब्रज दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुसुम सरोवर, जहाँ पर कि राधा रानी फूल चुनने के लिए आती थी, कुसुम का मतलब होता है फूल, तो यहाँ पे बहुत बड़ा बगीचा हुआ करता था, और यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा रानी की क्या लीला हुई थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो कुसुम सरोवर में राधा रानी जो है पुष्प चुनने आई थी सूर्य देवता की पूजा करने के लिए। तो श्री कृष्ण ने माली का रूप बनाया और उन्होंने पूछा, कौन है भाई, कौन जो है फूल तोड़ने के लिए आया है? तो राधा रानी ने बोला कि मैं हूं। तो श्री कृष्ण ने कौतूहलवश बोला कि कौन? तो राधा रानी बोली कि मैं हूं राधा रानी। अब श्री कृष्ण उनको और डराना चाहते थे, तो जब इतना पूछते में राधा रानी के हाथ से जो पुष्प गिर गए, तो श्री कृष्ण उन पुष्पों को उठाने के लिए जैसे झुके, तो उनकी जो है बांसुरी राधा रानी को दिखाई दे गई थी। तो राधा रानी को जब बांसुरी दिखाई दे गई थी, तो उन्होंने श्री कृष्ण को पहचान लिया और उन्होंने बोला कि मैं हूं राधा रानी, ब्रज की रानी। और कृष्ण जो है, कृष्ण के आगे कोई राजा नहीं लगाता। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छी एक लीला का, यहाँ पर राधा कृष्ण की लीला का यहाँ पर जो साक्षी है ये कुसुम सरोवर, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर ये छतरी वगैरह बनी है, जो कि राजस्थान के महाराजा ने बनवाई थी। सूरजमल के पुत्र थे जवार, उन्होंने बनवाई थी अपने पिता की जो है याद में। और ये जो कुसुम सरोवर है, प्राचीन टाइम में बहुत यहाँ पर पुष्पों का बाग होता था। और देखिए आप, क्योंकि अभी ये 1 साल से बंद है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो गई थी जिसकी वजह से इसको बंद कर रखा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये सभी के लिए बंद है। तो आपको अंदर से पूरा नहीं दिखा पाएंगे, ये जो कुंड है ये भी बहुत गहरा है, और ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर जो है पारस मणि और नाग मणि है, और जिसने भी उसको ढूंढने की कोशिश करी है उसकी मृत्यु हो गई है। तो आइए चलिए और देखते हैं इसके आसपास में और क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर जो है राधा वन बिहारी नाम से मंदिर है, क्योंकि तो श्री कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है, बांके बिहारी, मांग बिहारी, स्नेह बिहारी, उन्हीं में से एक नाम और है राधा वन बिहारी। क्योंकि तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुसुम सरोवर महाराजा सूरजमल की समाधि स्थल है, जो कि दिल्ली विजय के बाद में 1764 में महाराजा जवाहर सिंह ने महाराजा सूरजमल की स्मृति में बनाया था। और क्योंकि अभी बारिश भी हो रही है यहाँ पर, ये देखिए आप बारिश के बाद में, क्योंकि बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, और ये कुसुम सरोवर के एकदम सामने यहाँ पर श्री मंदिर कुसुम बिहारी राधा रानी वेणी गोपन लीला दर्शन। तो देखिए आप यहाँ पर, ये जो मंदिर है ये कुसुम बिहारी जी का मंदिर है, जहां पर कि श्री कृष्ण ने राधा रानी का पूरी तरीके से यहाँ पर श्रृंगार किया था फूलों से। आप देख सकते हैं उनका स्वरूप यहाँ पर, ये मैं आपको और पास से दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली तस्वीर आपने बहुत देखी होगी, जहां पर श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रहे हैं। तो उसके पीछे की कहानी यही है कि यहाँ पर कुसुम सरोवर पर कुसुम से पुष्पों से राधा रानी का पूरा श्रृंगार किया था, नख से लेके ऊपर सिर तक कुसुम बिहारी। तो
और श्री कृष्ण के एक और रूप का आपको दर्शन यहाँ पर मिलता है, कुसुम बिहारी, स्नेह बिहारी, मांग बिहारी, अलग अलग रूप है। कुसुम सरोवर पे एकदम सहारे सामने पर, तो जहां पर श्री कृष्ण ने राधा रानी की मांग भरी वो स्थान कहलाया मांग बिहारी, बांके बिहारी। इसी तरह से एक और नाम यहाँ पर कुसुम बिहारी, और आगे वहां पर राधा वन बिहारी के नाम से भी एक मंदिर है जहां पर राधा रानी पुष्प चिन्ह आती थी, तो वहां पर राधा वन बिहारी श्री कृष्ण कहलाए, वो भी चलेंगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राधा वन बिहारी जी का मंदिर, यहाँ पर बैनी गुथन की ऐतिहासिक दर्शनीय मंदिर है ये भी। तो यहाँ पे जो राधा वन बिहारी है, और वहां पर मैंने अभी जो दिखाया था वहां पर उनका श्री कृष्ण का अलग रूप है, यहाँ पे राधा वन बिहारी रूप में विराजमान। देव दर्शन में आज आपने देखा कुसुम सरोवर की पूरी कहानी आपने जानी, और यहाँ से जुड़ा हुआ जो राजस्थान का एक इतिहास है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। क्योंकि तो देखिए गोवर्धन में बारिश हो रही है, ये देखिए आप बारिश हो रही है, और ये बारिश जो है मथुरा में स्टार्ट हो गई है काफी गर्मी पड़ने के बाद में, और यहाँ पर परिक्रमा जो लगा रहे हैं उन पर बारिश का कोई असर नहीं हो रहा है, और उनकी बारिश में भी परिक्रमा लगातार चल रही है। तो इस तरह से आपसे मैं इस वीडियो में विदा लेता हूँ, और मैं आपको मिलूंगा किसी और वीडियो में ब्रज के किसी प्रसिद्ध ऐसे ही किसी स्थान में जहां पर राधा कृष्ण की कोई कहानी जुड़ी होगी बताते हुए। तो आप सभी को मेरा राधे राधे, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।